डी रिजर्वेशन एक कंसेप्ट है, कुछ रिजर्व कैटेगरी को जब कैंडिडेट मिलते नहीं है, फॉर एग्जांपल एक्स सर्विसमैन में, जो मान लीजिए एससी एक्स सर्विसमैन में दो सीट्स खाली रह गई हैं, ठीक, तो ये दो सीट्स किसको, किस कैटेगरी या सब कैटेगरी को जाएंगी, ये प्रॉब्लम है। अगर ये दो सीट्स शिफ्ट जो करके जनरल कैटेगरी को चली जाती है, दे देते हैं, इसको डी रिजर्वेशन कहते हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन जो 2019 में दिए हैं, उन नोटिस के अनुसार ये क्लियर किया गया है कि अगर कुछ सीट्स ऐसी वेकेंट रहती हैं जो कैटेगरी और सब कैटेगरी में, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, ये वर्टिकल कैटेगरीज हैं रिजर्वेशन की, वर्टिकल रिजर्वेशन है, ये चार कैटेगरीज में आती है, 1 2 3 4, ओके, तो ये हॉरिजेंटल वाले हैं, फीमेल उसमें आती हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं और कैटेगरीज हैं। तो जब ये फॉर एग्जांपल हम जो जो रूल है उसको सीधा समझने की कोशिश करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन रूल्स 82 नंबर जो उसका है 37 आर्टिकल 309 234 एंड 318 जो 11th अमेंडमेंट में है, उसमें ये जो 14 अक्टूबर 2019 को हुई है उसके अकॉर्डिंगली जो वेकेंट सीट्स बचती हैं सब कैटेगरीज की, वो किन को मिलेगी, वो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीट एससी मजहबी सिख एंड बाल्मीक ऑफ एक्स सर्विसमैन है, देखिए यहां पर एससी वर्टिकल रिजर्वेशन है, मेन कैटेगरी है, और उनकी सब कैटेगरी जो है मजहबी सिख एंड बाल्मीक और रविदासी एंड अदर, ये जो सीट्स हैं एससी की लगभग 50-50% डिवाइड हुई हुई हैं, जो वो जितनी भी है वो बात नहीं यहां मैं करूंगा। तो ये डिवीजन में ये जो मजहबी सिख एंड बाल्मीक के कैंडिडेट्स हैं ये जनरली नहीं मिलते, ये सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। आगे सब कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है तो ये बहुत ही संभावना रहती है कि खाली रह जाती हैं। तो दैट इज वाई पंजाब गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जो एक्ट जो किया है कि ये सीट्स किसको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैंडिडेट नहीं मिलता, एक कैंडिडेट नहीं मिला, दो कैंडिडेट तीन कैंडिडेट नहीं मिले जो एससी मजहबी सिख और एक्स सर्विसमैन के लिए सीट थी, तो नेक्स्ट वो किसको मिलेगी, जो एससी होगा और मजहबी सिख होगा, अगर वो एक्स सर्विसमैन नहीं मिल रहा, ठीक, अगर एससी मजहबी सिख भी नहीं मिल रहा तो थर्ड वो किसको जाएगी, वो एससी एक्स सर्विसमैन को जाएगी, ठीक, अगर मजहबी सिख नहीं मिलता लेकिन एक्स सर्विसमैन मिल रहा है और वो एससी है उसको जाएगी जो वेटिंग में था, ठीक। तीसरे अगर ये भी नहीं मिलता, एक्स सर्विसमैन भी नहीं मिलता और मजहबी सिख एंड बाल्मीक भी नहीं मिलता, चौथा वो सीट एससी जनरल पूल में ही रहेगी। ये जो टिक लगातार लगा है, लगातार लगा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि एससी मेन कैटेगरी की जो सीट है, जो सब डिवाइड इक्वली हुई थी हॉरिजॉन्टली, जो रिजर्वेशन है उसमें गई थी, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो वो एससी कैटेगरी को ही जाएगी, वो किसी भी तरह से जनरल के पास नहीं जाएगी, ऐसा ये नोटिफिकेशन है, ठीक। दूसरी और एक जो पास किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैन रूल्स 88, इसका नंबर 38 है, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 309 के अंडर, अमेंडमेंट 21 अक्टूबर 2019 को, ठीक। इसमें क्या है कि अगर एससी कैंडिडेट की सीट जो मजहबी सिख एंड बाल्मीक और स्पोर्ट्समैन कोटे की है, ये वाली सीट है, ठीक, ये कैंडिडेट नहीं मिला तो ये जनरल कैटेगरी को नहीं जा रही, ये किसको जा रही है, जो एससी मजहबी सिख
सिख एंड बाल्मीक है ये, अगर स्पोर्ट्समैन नहीं मिलता तो ठीक है, अगर स्पोर्ट्समैन कैटेगरी का बंदा मिल जाता है लेकिन मजहबी सिख नहीं मिलता वो एससी होना चाहिए। ये नेक्स्ट, अगर स्पोर्ट्समैन भी नहीं मिला और मजहबी सिख एंड बाल्मीक भी नहीं मिला तो जो जनरल एससी जो बाकी बचते हैं एससी उनको वो सीट जाएगी, वो जनरल को सीट नहीं जाएगी यहां तक वो कैंडिडेट मिल जाता है। तो ये एक तरह से जो डी रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ पंजाब है उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सीट है वो जो मेन कैटेगरी है वो मेन कैटेगरी में ही, अगर सब कैटेगरी की मिल रही है, सब कैटेगरी एक की नहीं मिलती तो दूसरी वाली दोनों नहीं मिलते तो वो रिटर्न फिर उसी मेन कैटेगरी को के कैंडिडेट को या उस कैटेगरी के कैंडिडेट को वो सीट दी जाएगी, जॉब दी जाएगी, वो जनरल कैटेगरी को नहीं जाएगी। तो अगर ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ये पोस्ट है हाई कोर्ट अलाउ कर देती है कि ये प्रोसीजर नेक्स्ट होगा, ज्वाइनिंग हो सकती है, तो जो सीट्स वेकेंट बची है लगभग हर सब्जेक्ट में कुछ सीट्स इन कोटे की वेकेंट बची हैं, तो वो इस तरह से एससी कैंडिडेट को हर हालत में फायदा होना है, वो एससी बेशक स्पोर्ट्समैन हो या एससी मजहबी सिख एंड बाल्मीक हो, मतलब सब कैटेगरी में अगर नहीं मिलती तो मेन कैटेगरी को जाएगी, जनरल कैंडिडेट जनरल जो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर उम्मीद छोड़ दें। तो इसके मुताबिक जो आपकी लिस्ट है वो चेंज होगी। कोई क्वेश्चन हो कर सकते हो। थैंक यू।